मुस्कुरा के लड़की बोली, बाबा तू कितना नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि पूरी कायनात को अल्लाह की अता से देता। कौन देता है देने को मोचा ये देने वाला, हमारा नबी सुभान अल्लाह। मगर जब बाप ने इसरार किया, बाप ने बार बार कहा बेटी कहां से लाई, तो बेटियां नाजुक दिल होती हैं, नरम दिल होती हैं। अगर बिटिया को ससुराल में पता चल जाए मेरा बाप बीमार है, अल्लाह की इज्जत की कसम दुआ करती मौला मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देखकर देखकर ज्यादा पूछा, बेटी ने बता दिया जिसके आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदके में पीना आई वापस। बड़ा मियां तड़प के बोले, क्या मतलब मोहम्मद के सदके में मिली? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तवज्जो है, बोले क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। क्या हसद है, क्या दुश्मनी है? बोले फोड़ूंगा। मैंने कहा नादान, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में चमकाए, अंगारों की तरह जब चमकने लगे सबने समझाया, कबीले की बुढ़िया आ गई, बूढ़े आ गए, कहने लगे नादान जब मिल गई तो क्यों फोड़ रहा है, मोहम्मद ने कोई देखी थोड़ी है। मैंने कहा नादान बुढ़ो, जिसकी नजरों से कायनात न छुपी इसकी अखिये कैसे छुप जाए। भट्टी में चमकाई, सलाखें चमकना शुरू हो गई, हाथों में अपने करीब लाया, चाहता था कि आंखों को फोड़ डालूं, खत्म कर दूं, मिटा डालूं, मगर जैसे ही आंखों में सलाखों को डाला देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बोला बेटी जिस मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहन हाजिरे, रहन हाजिरे ना आपका। लड़की बोली, बेटी से बोला ओ मेरी बेटी चल मुझे भी लेके चल, चल मुझे भी लेके चल। नबी के कदमों में आके रोने लगा, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह। बोली बदल गई, तवज्जो, बोली बदल गई, न जाने क्या क्या बकबक करता था, मगर जब कल्ब में नबी का प्यार आया कहने लगा या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था आका बस हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ो अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहद अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पांव जो एक मर्तबा जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। कानपुर वालों मुस्कुराना नहीं जानते, ऐसे ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता। जरा बोले सुभान अल्लाह, लबों पे मुस्कुराहट आई ना आपके यार। जरा सुने शेर, दागे फुरकते तैबा, भैया बड़ा ही दावे फुरकते तैबा, कल्ब मुजमहिल जाता। मुस्कुरा के सुना है, चेहलुम की महफिल नहीं है, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। दावे फुरकते तैबा, कल्ब मुजमहिल जाता, के दावे फुरकते गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने।
कानपुर वालों, जाजमोल वालों, सबको नहीं पढ़ना, सबको नहीं पढ़ना, बस उसे पढ़ना है कि जिसके दिल से ख्वाहिश हो कि अल्लाह एक मर्तबा मदीना दिखा दे। अब मैं देखता हूँ कि कौन पढ़ना चाहता है कौन नहीं है। काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबद खजरा कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता है पलट के आता है बड़ी तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों को देखता है बड़ी तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों को ताजमहल की बनावट को देखकर बड़ा तारीफ करने लगता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही दुआ करता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले काश गुंबद खजरा देखने मिल जाता, तब मेरा निकल जाता, दुआ करें तब मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के आस्ता देखे, अरे खाक में मिल जाता उनके आस्ता देखे, अरे खाक में मिल जाता। बोले काश गुंबद खजरा, चारों वालों बोलो काश गुंबद खजरा देखने मिल जाता। एक दुआ और करें कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाते, इधर देखें कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर और जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबद खजरा, बोले मेरे साथ बोले, काश गुंबद खजरा मिल जाता। एक शेर और पढ़ दे, कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकते मदीना अगर पढ़ते, अरे कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबद खजरा, बोले मेरे साथ बोले, काश गुंबद खजरा देख, मक्ता सुन ले, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए बोरे, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए बोरे, कि उन
के दर पे आखा तारे के हसरत हुई पूरी साईं ने दरे अकदस साईं ने दरे अकदस अरे कैसे मुनफ़िल जाता काश गुंबदे खजरा देखने वाले जरा हाथ उठाए काश गुंबदे खजरा देखने आओ जाज माहौल के जिंदा दिल लोगों जब इसी माहौल में प्यार के माहौल में बैठे हो आओ प्यार की बात करते हैं सबसे पहले जाने कायनात के हसीन मदीने की बात करते हैं जिसे देखने के लिए आंखें तड़पती हैं दिल तड़पता है दुआ करते हैं अल्लाह कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना आओ मदीने की बातें करते हैं जाने कायनात का हसीन मदीना है जाने कायनात का प्यारा मदीना है इसी मदीने में मेरे आका से प्यार करने वाली मेरे करीम नबी से प्यार करने वाली आका से मोहब्बत करने वाली आका के गीत गाने वाली ज़हन हाज़िर रखे आका से प्यार करने वाली आका से की आका के गीत गाने वाली एक दिन फजर की नमाज के बाद का वक्त है एक दिन फजर की नमाज के बाद का टाइम है मेरे दोस्त एक सईफा है आका से प्यार करती है आका से मोहब्बत करती है फजर की नमाज के बाद का टाइम है फजर की नमाज के बाद का वक्त है सारों कतार रो रही है आंखें अश्कबार हैं दिल बेकरार है दिल परेशान है अपने घर से निकलती है मस्जिद नबवी का रुख करती है तवज्जो मस्जिद नबवी का रुख करती है मस्जिद नबवी के करीब आती है कच्चे दरो दीवार मस्जिद नबवी के सामने है मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है आंसू बह रहे हैं दिल परेशान है दिल बेकरार है रोने का लहजा बता रहा है ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है दिल परेशान है आंखें अश्कबार है लगता है इंतजार में खड़ी है कुछ देर गुजरी कानपुर के जिंदा दिल लोगों सुनो कुछ देर गुजरी क्या देखा सामने से एक महजबी आ गया सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया अरे कोई और नहीं है सामने से आमना का चांद बोल दे लहक के सुभान अल्लाह सामने से हसनैन के नाना तशरीफ ले आए जैसे ही मेरे करीम नबी तशरीफ लाते हैं आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ जब किसी के घर में इंतकाल हो जाता है किसी के घर में मौत हो जाती है रिश्तेदार दूरों दराज से सफर करके कभी मामू आते हैं कभी खालू आते हैं कभी कोई रिश्तेदार आता है कभी कोई रिश्तेदार आता है तवज्जो से जुमले नोट करें मेरे दोस्तों जब रिश्तेदार आते हैं पलट के तो घर वाले रिश्तेदारों को देख के ज्यादा रोना आता है जिसे हम अपनी यूपी की जबान में कहते हैं हिड़कियां बन जाती हैं ज्यादा रोना आता है मगर नौजवानों जाजमाओ के जिंदा दिल लोग पूरी कायनात का प्यार एक तरफ हसनैन के नाना का प्यार एक तरफ पूरी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ मेरे आपके नबी की मोहब्बत एक तरफ जैसे ही हसनैन के नाना तशरीफ ले आए जैसे ही मेरे करीम आका तशरीफ ले आए मस्जिद नबवी से बाहर आते हैं सईफा की नजर जाने कायनात के रुख ज़ेबा पे पड़ी बेचैनी तो नहीं है परेशानी तो नहीं हो रही है जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़ईफ़ा की नजर जाने कायनात के रुख ज़ेबा पे पड़ी मेरे करीम आका की नजर ज़ईफ़ा के चेहरे पे पड़ी मोहब्बत की मोहब्बत से नजर टकराई ज़ईफ़ा ज़ारों कतार रोने लगे खिड़कियां बंद गई मेरे करीम आका ने फरमाया ओ ज़ईफ़ा ये बता तुझे किसने रुलाया तेरे रोने की वजह क्या है तेरे रोने का सबब क्या है आका की बारगाह में रोते 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 अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैंने आपसे प्यार किया है मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ आका मैंने सारा कबीला छोड़ दिया आपको गालियां देता है आपको बुरा भला कहता है या रसूल अल्लाह सारा कबीला छोड़ दिया सबसे रिश्ता तोड़ दिया सबसे नाता तोड़ दिया आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता
आज जुमला पूरा करना है। मैंने आपके प्यार से रिश्ता छोड़ दिया या रसूल अल्लाह, सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, आपके दामन से रिश्ता जोड़ दिया या रसूल अल्लाह, सारा कबीला आपको बुरा भला कहता है, मैं तने तनहा आपका कलमा पढ़ती हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका जी मेरा एक लफ्ते जिक्र था, मेरा एक नूरे नजर था, मेरी जिंदगी का एक चराग था, मेरा एक लाल था, मेरा एक बेटा था। आज सुबह सुबह मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है। जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले, सारे खानदान वाले, बड़ा बारीक जुमला है, नोट करें, बड़ी बारीक सी बात है, या रसूल अल्लाह सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए। आने के बाद कहते हैं, ओ बुढ़िया तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। या रसूल अल्लाह ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। जाजमाऊ वालों एक बात बताओ, ताना तो ताना होता है, ज़हन हाज़िर है ना, ताना है ना, ताना तो ताना होता है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। एक जुमला देखता हूँ कि कानपुर वाले कैच करते हैं नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कानपुर शहर है ना, ये उर्दू अदब का शहर है। गौर करें मेरे जुमले पे। आका ने जब फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में ना ऊंची हो जाए। समझ में आई है ना, कबीले में उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। आका ने फरमाया तमन्ना क्या है, चाहत क्या है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में ना ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा। हाँ इतना पूरा कर दे, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। बस नौजवानों मेरा यही मौजू है, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो और नबी का प्यार दे दो, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी। दो चीजें कितनी 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 दो, एक कलम और एक नबी का प्यार। खाली कलम नबी का प्यार नहीं, तब भी जिंदगी जिंदगी बड़ा बड़ा देखा है, तवज्जो है, कलम भी हो नबी की मोहब्बत भी हो, फिर इंकलाब देख, एक रंग देखना, तवज्जो है, एक रंग देखना। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है, जैसे मैंने फ्लाइट में एंट्री की, पायलट अपना बैग थामे हाथ में आगे की तरफ, जैसे रुक करते हैं नेम प्लेट पे, मेरी नजर पड़ी, मैंने नाम देखा, लिखा था फरहान खान, तवज्जो है। जैसे उन्होंने मुझे देखा, अस्सलाम वालेकुम हजरत, मैंने कहा वालेकुम सलाम सर, मैंने कहा क्या आप ही लेके जाएंगे, हमने अपनी भाषा में कहा सर कि आप ही लेके जाएंगे, उनके जुमले देख अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। सीना चौड़ा हो गया यार, फ्लाइट सफर बहुत किया है मगर आज इस फ्लाइट से दिल्ली जाने लगे, कोई और नहीं मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। नौजवानों मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए।
दुआ करते हैं अल्लाह हमारे बच्चों को बड़ी बड़ी मंजिलों पे पहुंचाए, बड़ी बड़ी मंजिलों पे पहुंचाए। एक बात और बताऊं कानपुर वालों, जिस कौम के हाथ में कलम की ताकत होती है उसका इतिहास लिखा जाता है। तवज्जो है, हाँ, इस कौम के हाथों में कलम होता है उसका इतिहास लिखा जाता है, और जिस कौम के हाथ में कलम नहीं होता मिट जाती, बेनाम और निशान हो जाता है। इसलिए भूखा रहना पड़े भूखे रह जाओ, चटनी समझ रहे चटनी, चटनी से खाना पड़े चटनी से खा लो, मगर अपने बच्चों को पढ़ा लो, मेहनत करो और मेहनत मजदूरी करने के बाद बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, निखार देखना। मगर जिंदगी बताए जुमला बड़ा कड़वा, मगर कह देता हमारे बुजुर्ग बैठे, आप में बुजुर्ग बहुत सारे, हमारे बच्चों की जिंदगी को देखो, पूरी रात गाने मोबाइल में, ड्रामे अय्याशियों के मनाजिर, तवज्जो है, पूरी पूरी रात, पूरी पूरी रात अय्याशियों के मनाजिर, गंदे गाने, ड्रामे। फजर का वक्त होता तो कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता। जुमला कड़वा है, सच्चा कड़वा तो है थोड़ा सा, मगर याद रखना टैबलेट जितनी कड़वी होती आराम इतनी जल्दी करती है। कड़वी तो है, मगर कुत्ते को देखना तो पूरी रात रोड़ों पे भौंकता फिरेगा और सुबह के वक्त सो जाता। नौजवानों फिर कहते हो तावीज दो, बरकतें नहीं होती, ये नहीं होता वो नहीं होता, एक जुमला कह के बात आगे 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 जाता हूं। तवज्जो समझो, सारे तावीज एक तरफ, फजर की नमाज पढ़ ले, रात की थोड़ी देर तिलावत कर ले, उसकी बरकत है। बात सही है कि गलत है, मगर मैं समझता हूँ कि आज हमारी नई नस्ल तकरीबन 95% फजर में सोते हैं, सो रहे हैं। दुनिया कुरान पर रिसर्च कर, दुनिया कुरान की एक एक आयत पर रिसर्च करते हुए आगे बढ़ दुनिया तरक्की कर रही है, और हमारे नौजवान फजर में सो रहे हैं। आज भी हमें याद है, छुटपन का दौर था अपने दादाजी के साथ, जब फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर आते थे ना, गलियों से गुजर के जाते थे। शायद मेरे इस जुमले से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इत्तेफाक करेंगे, तो गलियों से गुजर के जाते थे, कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी, और आज देखो 10 बजे तक सन्नाटा है। दुख होता है, तबीयत दुखी है। आज भी हमारे नौजवान गैर मुस्लिम भाइयों के जो बच्चे हैं नौजवान, उन्हें देखिए आप 4 बजे सुबह खड़े हो जाते हैं, 4 बजे सुबह खड़े होकर दौड़ना, भागना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा करना, सेहत को बचाना। और हमारी नस्लों को देखो तो 18 साल का छुआरा बना पड़ा, छुआरा समझ रहे, सूखा हुआ छुआ, पता नहीं अपनी सेहत को कहां बर्बाद करवा लगा। नौजवानों, तुम्हारे चेहरे ऐसे होने चाहिए जैसे सेब का रंग होता है। बहरहाल अमल के मैदान में चौराहों पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें सब कर लेते हैं। नौजवानों, मैं आपके लिए देने लगा हूं, चौराहों पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये अमल कर दिया, मैंने ये काम कर दिया, मैंने फला नेकी कर दी, फला ये कर दिया, मगर अपनी तन्हाइयों को पाक कर लो, कामयाब हो जाओ। ज़हन हाज़िर है, अपनी तन्हाइयों को पाक कर लो, कामयाब हो जाओ। जहाँ कोई नहीं देखता नौजवान वहाँ गुनाह करता है, नौजवान जहाँ कोई नहीं देखता तेरा रब तो देखता है, बोलो अल्लाह तो देखता है। चले आ जरा मुस्कुरा के बोलते सुभान अल्लाह, मोहब्बत रसूल, मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, आपके दामन से रिश्ता, हाँ फिर ऊंचा बोले, आपके दामन से रिश्ता जोड़ दिया, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे को मौत आ गई, आका सारे कबीले वाले आ गए, आने के बाद सबने ताना दिया है या रसूल अल्लाह, आका आने के बाद कहते हैं हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। क्या मिल जाए, जरा ऊंचा बोले, क्या मिल जाए, जिंदगी दोबारा मिल जाए। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता
वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीमा का ने फरमाया ओ सईफा ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है। आका जी मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट जाने कायनात के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया ओ सईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। सईफा आगे आगे मेरा आपका नबी पीछे पीछे। ज़ैफ़ा अपने घर पे पहुंची, ज़ैफ़ा अपने मकान पे पहुंची, जाने कायनात जो है हसनैन के नाना ज़ैफ़ा के मकान पे तरफ जा अपने कदमों को बढ़ाती हैं। मेरे करीम आका जैसे ही उसके घर के करीब आते हैं, घर के करीब जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, सारे कबीले वाले सारे मुखालिफ सारे के सारे दुश्मन मेरे करीम आका को देखते हैं। देखने के बाद इकट्ठा हो जाते हैं। ओ नौजवानों आप अपने नबी की पावर देखो, अपने नबी का कमाल देखो, अपने नबी की खूबी देखो जो अल्लाह ने अता की है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया मेरे करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ैफ़ा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। इशारा करती है या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। एक कोने में कपड़े से ढांप के जनाजा इधर रखा है, लाश इधर रखी है। मेरे आपके नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया। आया जरा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, पैर पकड़ के हिलाया। मंजर बताऊं आपको, पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर बच्चे का नाम लेके पुकारा। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है, कबीले का बच्चा बच्चा गवाह है जो मजाक बनाने के लिए आए थे। ओ नौजवानों जाजवाओं के जिंदा दिल लोगों मेरे करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होकर बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बोला, क्या बोला? लब्बैक या रसूल अल्लाह। कभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए के फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा। 40 मिनट हो गए, बेचैनी तो नहीं हो रही है? घूर के तो नहीं देख रहे हैं? जरा मुस्कुरा के फिर बोल दे सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। क्या अर्ज किया? प्यार, इश्क, मोहब्बत। सईफा नबी की बारगाह में पहुंची, प्यार था। नौजवानों प्यार था ना, दिल था, और प्यार दिल से होता है। काहे से? दिल से। और दिल नहीं तो प्यार नहीं, सीधी भाषा। दिल नहीं तो, दिल नहीं तो पक्का है ना प्यार दिल से। अच्छा ये कपड़ा, दिल नहीं, दिल नहीं, दिल नहीं, दिल नहीं। तो ये क्या जाने भाई, प्यार कैसा होता है? कपड़ा है, कपड़ा है, कपड़ा है, माइक है, माइक है, लोहा है, लोहा है, प्लास्टिक है, वायर लगा है। दिल नहीं, दिल नहीं, दिल नहीं। जब दिल नहीं तो, हाँ ऊंचा बोल दे, दिल नहीं तो, और दिल होता तो ये प्यार का। दिल नहीं, दिल नहीं, दिल नहीं, लकड़ी, 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 दीवार, पत्थर, 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 अच्छा पत्थर, 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 जा रहे हैं, कोई नहीं, कोई ऐसा, कोई ऐसा, तो जो है, जो है, जो है, पत्थर, 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 दिल नहीं, दिल नहीं, दिल नहीं, प्यार का पॉइंट, 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 पत्थर के दिल नहीं होता, कारी साहब, पत्थर के दिल नहीं होता, और दिल नहीं तो, ऊंचा बोल दे, दिल नहीं तो, प्यार नहीं, लकड़ी के,
दिल नहीं, शहर कानपुर में बहुत लकड़ी का काम होता है, मगर देखो ना काम करने वाले कारीगर से दिल नहीं, और दिल नहीं तो। मगर एक जात इस कायनात में ऐसी है जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है ऐसा हो सकता है। सुने सुने सुने, मेरे करीमा का मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तवज्जो है, एक खजूर की लकड़ी है, एक खजूर का तना है, मस्जिद नबवी में रखा है। आका पीठ लगाते, अपनी पुश्त लगाते, खुतबा इरशाद फरमाते, रोज रोज आका इस खजूर की लकड़ी से, खजूर के तने से अपनी पुश्त लगा के खुतबा देते। मगर एक दिन एक नबी के सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं लकड़ी का काम जानता हूँ, आका मैं लकड़ी का कारीगर हूँ। जैन हाजिर, जाना तो जाना, तो जैसे निकले वैसे निकले जाना, छेड़िए नहीं जाने दीजिए, जाने दीजिए। इधर देखें आप, इधर देखें, इधर क्या अर्ज करने लगा हूं मैं, जहन हाजिर रखें आप। मेरे करीम आका की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं लकड़ी का काम जानता हूँ, लकड़ी का कारीगर हूँ, आका मैंने मिंबर बनाया है, अगर आप इजाजत दे दें, आप हुक्म फरमा दें आका, तो इस खजूर के तने को, खजूर की लकड़ी को इधर से हम हटा दें, इधर मिंबर लगा दें। बात समझ में आ गई ना, इधर मिंबर लगा दें। मेरे आका ने फरमाया जाओ, नबी के अस्हाब आगे बढ़ते हैं, हुजूर की लकड़ी को उठाते हैं, उस तने को उठाते हैं, कोने में पहुंचाते हैं, इधर मिंबर लकड़ी का लगा दिया। मेरे करीम आका जलवा बार है, हसनैन के नाना मिंबर पे जलवा बार है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। मगर नौजवानों, सहाबा का नूरानी काफिला जमा है, अचानक जुमला बड़े प्यार का, अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। नबी के गुलाम दाएं आए, आगे पीछे देखते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रोने की आवाज आ रही है, रोने वाला रोने वाला नजर नहीं आ रहा, मगर आका रोने वाले का दर्द बता रहा है, रोने वाले का लहजा बता रहा है। ऐसे लगता है जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। अब एक जुमला आपको पूरा करना है, काय ने रुलाया है, मोहब्बत काय ने, मोहब्बत ने रुलाया है। दाएं बाएं देखा नजर कुछ नहीं आया, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आवाज तो आ रही है मगर रोने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, वो खजूर की लकड़ी, वो खजूर का तना इधर देख, जिससे मैं रोज टेक लगा के खुतबा देता था, आज वो इधर से आप लोगों ने हटा दी, कोने में पहुंचा दी। वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है, लकड़ी है, आसमां टूट के बिखर जाए, जमीन इधर से उधर हो जाए, मगर जो तुम्हारे मेरे नबी ने फरमा दिया वो झूठा हो नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया ये लकड़ी तुम्हारे नबी के ऊंचा 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 प्यार में रो रही है, नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए, कि नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए, मगर कल्ब दुश्मन पिघलता नहीं है। और जो फरमा दिया है मेरे खुदा की कसम वो बदलता है। मेरे आका ने फरमाया ये लकड़ी तुम्हारे नबी से
एकनाथ भोले प्यार करती है। बैठ गया यार ला लकड़ी है दिल नहीं है, और जब दिल नहीं तो प्यार कैसा। आगे बढ़े इधर इधर, कौन है जिसने मदीना देखा है? माशाल्लाह, जिन लोगों ने मदीना देखा है अल्लाह खुश रखे, जो नहीं गए हैं अल्लाह हमारी भी हाजिरी अपने महबूब के दरबार में कबूल फरमाए। सुने जहन हाजिर रखे, मदीने में पहाड़ तो बहुत हैं मगर आपने नाम सुना होगा जबले ओहद। तवज्जो है, मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या करता है? पत्थर है, पत्थर है, दिल नहीं है। अच्छा एक और बात, आका ने फरमाया जबले ईर है, ये दूसरा पहाड़ है, मैं बैठे जबले ईर। आका ने फरमाया ये नफरत बुग्ज रखता है, नफरत करता है। तो एक दूसरे से जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं, किसी का कारोबार अच्छा तो पेट में दर्द है, किसी की मंजिल बन गई तो पेट में दर्द है, गाड़ियां कोई अच्छी खरीद के ले आया तो पेट में दर्द है। अरे यार क्यों दर्द करने लगा है ना, इसने उसे दिए उसके खजाने में कमी तोड़ी है तो दुआ कर ले अल्लाह तुझे भी। अच्छा हसद एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई राई के दाने के बराबर फायदा है ही नहीं, सिवाय नुकसान। सिवाय नुकसान के, सिवाय नुकसान के फायदा ही नहीं है। उसके साथ बैठे हसद एक ऐसी बीमारी है कि नेकियों को ऐसे खत्म कर देती है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देती है। अच्छा फुजूल में बिला वजह में, ऐसा तो है नहीं कि उसका माल तेरे पास आ जाएगा, खाली जल ना हसद करना और अपनी नेकी और खाली करना। चौराहों पे खड़े होकर बैठ के इधर इधर बैठे उधर बैठे चुगलखोरी करना शुरू। बोलो ऐसा है? है सर, चुगलखोरी चौराहों पे खड़े हो दूसरे की गीबत हसद जलन फायदा कुछ नहीं, तो कोड़ी का फायदा नहीं। क्या जरूरत है हसद करने की? दुआ ना कर लो कि अल्लाह इसे दिया है मौला अपनी रहमत के दरवाजे मेरे ऊपर भी खोल दे। करेंगे ना आज के बाद ऐसा, हसद नहीं करेंगे, दुआ करेंगे। क्या करेंगे? हसद तो नहीं करेंगे, उलमा बैठे हाथ उठा के वादा करो इंशाल्लाह हसद नहीं करेंगे किसी से। किसी के पास कितना ही खजाना हो हम लोग हसद नहीं करेंगे, दुआ करेंगे, अपनी नेकियों को बर्बाद नहीं करेंगे। एक तो नेकियां कर बहुत रहे हम, फजर में गायब, जहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, ईशा गायब, और बाज बाज को देखो तो जुमे से जुमा मिला रहा। बताओ गलत कह रहे? जुमे से जुमा मिला, तकलीफ होती। चलिए आगे बोल दें, थोड़ा सा और बातें तो नहीं करोगे? जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। भले से मैं यार अमरोहा का सही, मगर तुम मेरे भाई हो ना, इन्नमल मुमिनून इखवा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है, इस रिश्ते अजीम से तुम मेरे भाई हो। वो बात अलग है कि मैं अमरोहा से आया हूँ, आप कानपुर में रहते हैं, मगर मेरे आपके दरमियान एक रिश्ता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात अगली, बीच बीच में नसीहत की बात, फिर मोहब्बत की बात है। तवज्जो है, हां सुने मां, सुने मां, मेरे करीम आका ने फरमाया ओहद का पहाड़, बीच वाले बोले इधर कौन सा पहाड़? ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है, ये जबले ईर तुम्हारे नबी से नफरत करता है, बुग्ज रखता है। प्यार 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 मोहब्बत दिल से होती है, उधर दिल नहीं। एक जुमला बाद में देना, इधर इधर दिल नहीं, तवज्जो, दिल नहीं, पत्थर है, दिल नहीं। चलिए इधर की बात करते हैं, ये नफरत करता है। अब देखता हूँ कितना जहन हाजिर है, कितना जहन हाजिर है नौजवानों। ये भी मदीने में, ये भी मदीने में, ये बुग्ज करता है, बुग्ज रखता है, ये प्यार करता है, जहन हाजिर रखे, ये मोहब्बत करता है, ये बुग्ज रखता है, तवज्जो, ये नफरत करता है, ये प्यार करता है, मगर जाजमाओं वालों दोनों मदनी दोनों मदीने में पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है।
क्या पेश करूं आका, क्या चीज तुम हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। बोलो ये दिल भी तुम्हारा है या रसूल अल्लाह, ये दिल भी है तुम्हारा है, अरे ये चाबी ना लकड़ी में दिल है ना पत्थर में दिल है। हाजिर 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 है गोलू मोलू प्लास्टिक का गुड्डा बैठ गया न लकड़ी में दिल है, ऊंचा बोलना न लकड़ी में दिल है ना ना पत्थर में दिल है। पता चला एक जात मेरे आपके नबी की इस कायनात में ऐसी है कि जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी यमुना के चांद से मोहब्बत कर। थोड़ा सा और बढ़ जाए आगे। मेरे करीम आका ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया जो सरकार को अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, सच्चा कहते थे, अच्छा कहते थे, तारीफें करते थे, उनके पेटों में दर्द न जाने क्या क्या पक पक करने लगे। एक कबीला था बनू सुलैम, उसका सरदार आका को रोज भोगता, मेरे आपके नबी को न जाने क्या क्या पक पक करता। आज भी भोगते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, समझ रहे ना। मेरे करीम आका को भोंकने वाले उस दौर में भी थे, इस दौर में भी हैं, मगर याद रखना मिट जाएंगे, बेनामो निशान हो जाएंगे। हसनैन के नाना का चर्चा कयामत तक होता पेट्रोल का काम कर रही है, एक नई ताजगी है, एक अच्छा लगता है, एक माहौल है ना वाकई कानपुर में। दिल चाहता कि बहुत पहले आना चाहिए था, सैकड़ों फोन गए मगर इत्तफाक नहीं आना हुआ। आपकी मोहब्बतों के दरमियान पहला इत्तफाक आने का, जरा फिर बोले मुस्कुरा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बड़े बड़े कबीले के सरदारों के पेटों में दर्द, न जाने क्या क्या भोंकने लगे। कबीला बनू सुलैम के सरदार का घर हरम शरीफ वाले रास्ते पे पड़ता, आका घर से निकलते हरम शरीफ के लिए जाते, रास्ते में इसका घर रोज कहता दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, देखना नहीं। ये जुमला बड़ा गोल्डन है, देखना नहीं। किसी ने पूछा मामला क्या है, बोले मामला तो मेरे खोपड़ी में भी नहीं आता। बोले मामला क्या है, बोले जो देखता है, तवज्जो है, जो देखता है वो सोने का दीवाना हो जाता है। रोज ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, रोज ऐलान हो जाता, दरवाजे भी बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। आका का गुजर, फिर दूसरे दिन फिर ऐलान, फिर आका का गुजर, फिर तीसरे दिन। एक लंबा वक्त गुजर गया मगर अचानक जाज मऊ वालों, अचानक इस कबीले के सरदार की आंखों की बीनाई चली गई, अंधा हो गया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया। मगर पैसा बहुत था, मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था, मक्के का बहुत बड़ा अमीर था। हुदूदे अरब में उस जमाने में जो हकीम और तबीब थे सबको दिखाया, एक के बाद एक सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। हमने कहा आएगा भी नहीं, इन आंखों को नूर मिला है तो हसनैन के नाना के नूर का सदका जो है आपकी। इन आंखों में नूर है तो यमुना के चांद के नूर का सदका है।
बस यही एक बात रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं। इंसान बना चार चीजों से, कितनी? मेडिकल साइंस, दौरे हाजिरा मेडिकल साइंस, तवज्जो। इंसान बना चार चीजों से, आग पानी मिट्टी हवा, कितनी? आग पानी मिट्टी हवा। कोरोना काल में नहीं देखा, दवा कम हवा ज्यादा, यही था ना? दवा कम। अच्छा, जिसे इसका बराक्स, जिसे इसका उल्टा हो गया, दवा ज्यादा हवा कम, चले गए ना वो। हाँ, जहन हाजिर है ना आपका। इंसान बना, नौजवानों साइंस से पढ़ने वाले जानेंगे, चार चीजों से इंसान का वजूद, इंसान का मटेरियल, आग पानी मिट्टी हवा। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा सा जुमला। कितनी चीजों से? आग, 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 पानी, पानी, मिट्टी, हवा। याद करना है। मेरे आका ने फरमाया, आग भी ना थी मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, हवा भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था। पता चला मेरा नबी बशर तो है मगर हम जैसा नहीं। नबी बशर है, नौजवानों जुमला ले जाओ, नबी बशर है, नूरी बशर है, हम बशर हैं तो खाकी बशर। अब ये नूर चलेंगे, इसे रोकते हैं, फिर वही बात। नबी के नूर का सदका आंखों को मिला, नबी के नूर का सदका दांतों को मिला, नबी के नूर का सदका इंसान के पूरे वजूद को मिला, नबी के नूर का सदका चांद को मिला, नबी के नूर का सदका सितारों को मिला, नबी के नूर का सदका चांद को मिला, नबी के नूर का सदका सूरज को मिला, नबी के नूर का सदका हवाओं को मिला, बहारों को मिला, फजाओं को मिला, खुशबू को मिला, फूलों को मिला। पता चला दुनिया रसूल पाक के रुकबा रसूलता, के दुनिया रसूल पाक की रुकबा रसूलता, ये सारी काए नात है सदका। बेचैनी तो नहीं हो रही है? सुनना चाहते हैं सब लोग, जाजमऊ वालों सब सुनना चाहते हैं ना? सब होश में? थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश में है कि जोश में है? जोश में होना, होश खो बैठे ना, मगर जोश में होश खोना नहीं चाहिए। अब आगे की बात करते हैं, सुने, बहुत तेजी से निकलना है, सुने, गौर करें। मेरे करीम आका ने, मेरे करीम आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, रोज ऐलान कर देता, बात यही चल रही थी ना, अंधा हो गया, नबीना हो गया, बड़ा रईस था, बड़ा मालदार था, हुदूदे अरब में, इधर इधर उस जमाने में जो डॉक्टर जो हकीम थे उस दौर के, सबको दिखाया, मगर समझ में ऊंचा बोले, समझ में किसी की कुछ नहीं आया। हमने कहा आएगा भी नहीं है, जिस सोने को देखने के लिए दरवाजे बंद करता था अल्लाह ने, तेरी कर दी बंद, मगर जब थक गया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गए। मगर कबीले में चेले बहुत थे, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। इस यहूदी की एक नख्ते जिगर है, इस यहूदी की एक बेटी है, नूरे नजर है, मेरे आका का गुजर हो रहा है, बड़े प्यार के जुमले, मेरे आका गुजर रहे हैं, करीम आका हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, फिर ऐलान कर दिया दरवाजे बंद। इधर देखेंगे तो मजा आएगा, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, लखते जिगर, नूरे नजर, बेटी बोली मामला क्या है, आज तो मौका अच्छा है। अच्छा जाजमऊ वालों एक बात बताओ, इधर एक दीवार कर दी जाए, बड़ी दीवार बना दी जाए, एक उधर, एक इधर गार्ड बैठा दिया जाए, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, पीछे की तरफ नहीं जाना, तो दिल कहेगा। इंसान की फितरत है यार, है क्या, बोलो बोलो, ऐसा है इंसान की फितरत, जिधर रोका जाए फिर दिल उधर ही झुकता है। इस यहूदी की बेटी है
कटे जिगर है नूरे नजर है रोज रोज ऐलान दरवाजे बंद खिड़कियां बंद दरीचे बंद इधर देखे इधर देखे लड़की बोली आज तो मौका अच्छा है आज तो मौका अच्छा है आज बाबा अंधा है आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का मुखड़ा देखने दरीचे से झांक कर एक दरीचे से झांक कर हसनैन के नाना के रुखे से बाप जैसे ही नजर पड़ी प्यार के जुमले जैसे ही नजर पड़ी इधर देखें आप जैसे ही नजर जैसे ही जहरा के पापा के रुखे से बाप पे नजर पड़ी मेरे आपके नबी के चेहरे पे नजर पड़ी इधर देखें दिल की दुनिया बदल गई हालात बदल गए कैफियत बदल गई आका के चेहरे को देखती जाती और कहती जाती चमक तुझसे पाते सब पाने वाले ऊंचा पढ़िए चमक तुझसे पाते ने वाले मेरा दिल भी चमका मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले मेरे करीम आका के रुख ज़ेबा पे नजर किधर नजर आका के चेहरे पे नजर बोल दिया करो करीम आका के चेहरे पे नजर है ना आका के चेहरे पे नजर आका का गुजर हो रहा है जहां मेरे आका का कदम टच होता जमीन के टुकड़े से कभी उधर नजर कभी चेहरे पे नजर अच्छा एक बात और बताएं सरकार का मौजजा पत्थर पे कदम रखते अल्लाह सलामत रखे अल्लाह खुश रखे हमारे जान मोहम्मद भाई को इनकी बड़ी काविश रही इनकी बड़ी मोहब्बत रही है मैं हाजिर हुआ सुने मोहब्बत के साथ पत्थर पे कदम रखते मोम हो जाता रेत पे कदम रखते निशान ही नहीं पड़ता पत्थर मोम नहीं जी मगर मेरे आका अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी शान अता की है जो है अल्लाह ने अपने महबूब को लफ्ज महबूब समझ रहे हैं नौजवानों महबूब महबूब कोई किसी को देता नहीं मगर अल्लाह करीम ने अपना महबूब हमें अता किया है ज़हन हाज़िर रखें लड़की दरीचे से आका के चेहरे को देख रही है जहां मेरे आका का कदम जमीन से टच होता कभी उधर न कभी आका के चेहरे पे नजर कभी कदम पे नजर कभी चेहरे पे नजर आका चले गए लड़की घर से बाहर आई बड़े मजे के जुमले लड़की घर से बाहर आई जहां जमीन पे नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई कुछ समझ में आई आई तो बोलने सुभान अल्लाह लड़की घर से बाहर आई नबी का जहां कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई वापस घर में आई बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई लड़की बोली बाबा बोला बेटी कहां से लाई बोला ना बाबा ये नहीं बताऊंगा कहां से लाई मुझस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा वो थोड़ी खाक उनके आस्ताने से नारे तकबीर नारे रिसालत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब किबला वाह 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 हमारे खारी साहब ने बहुत नवाज दिया अल्लाह इन्हें करोड़पति अल्लाह खूब तरक्की माशाल्लाह और कितने देख रहे हो आपको भी दुआ करो अल्लाह खूब तरक्की क्या मुफ्ती साहब का जुमला आमीन सुन लिया आपने मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि कारी साहब की दूसरी हो जाए और जिसकी अभी नहीं हुई है सिंगल सिंगल बैठे हैं अल्लाह उनकी भी हो जाए जवान बहुत खुश हो रहे हैं भाई बोले दुआ हो गई अब तो
खैर घबराइए मत, होगी इंशाल्लाह। खैर शादी और निकाह को आसान कर, बिल्कुल आसान निकाह, बिल्कुल आसान। कितनी बेटियां गरीब बापों की जो अपनी दहलीजों पर सिसक रही हैं, गरीब बापों की बेटियां रो रही हैं और जहेज मांगने वाले मांग रहे हैं, लानत है उनकी जिंदगी पे जो इंटरनेशनल फकीर बन। निकाह को आसान करो, आसान करो, बस बस इतना होना चाहिए। बेटी वाले के घर जाइए, चंद लोग मस्जिद में बैठ के निकाह हो जाए, बेटी वाला अपने घर, बेटे वाला अपने अपने, ये है शादी। और आज क्या हो रहे हैं, कितना फजूल खर्ची, कितना ड्रामे, कितनी मक्कारियां हैं। फिर पिटेंगे नहीं तो क्या होगा, तवज्जो है, फिर पिटेंगे नहीं तो क्या होगा। इसलिए शादियों का खर्च, एक जुमला कानपुर वालों, शादियों का खर्च कम करो, पैसा बचाओ और इस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाओ। जाजमाऊ वालों लिख लेना दिल की तख्ती पर, निकाह आसान करो, निकाह सस्ता करो, इस पैसे को बचाओ और इस पैसे को बचा के अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों के हाथ में कलम। जैसी करनी वैसी भरनी, हमारा काम समझाना। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख, हमारा काम समझाना। अब तुम जा, अब फिर जुमला दोहराते हैं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए, ऊंचा बोलो, दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली खाक अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बिनाई वापस, बोल दो बिनाई वापस आई। पड़ मियां तड़प के बोले, जल्दी बेटा बेटी दवा कहां से लाई। कुछ समझ में आई, बात पूरी कर दें कि यहीं छोड़ दें, पूरी कर दें, ट्रेन छूटे तो छूट जाए, नहीं मेरा बोल दे। सुभान सुभान सुभान, बहुत होशियार है, ट्रेन में नहीं छूटनी चाहिए, मगर इंशाअल्लाह साहब गाड़ी लगा के रखिए, बस बहुत तेजी से निकलूंगा। सुने मोहब्बत के साथ, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों के लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी आंखों में लगाई, देखते ही देखते बिनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले, बेटी ये बता दवा कहां से लाई। ना बाबा ये नहीं बताऊंगी, मगर बहुत बड़ा रईस था ना, कहने लगा बेटिया हम बहुत बड़े मालदार हैं, बहुत बड़े रईस से बड़ा पैसा बर्बाद किया, बड़ा पैसा खर्च किया, हम चाहते हैं अपने हाथ से उस हकीम को थोड़ा गिफ्ट दे दें, तवज्जो है, थोड़ा इनाम दे दें। मुस्कुरा के लड़की बोली, बाबा तू कितना नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि पूरी कायनात को अल्लाह की अता से देता। कौन देता है देने को मोहचा ये देने वाला, हमारा नबी सुभान अल्लाह। मगर जब बाप ने इसरार किया, बाप ने बार बार कहा बेटी कहां से लाई, तो बेटियां नाजुक दिल होती हैं, नरम दिल होती हैं। अगर बिटिया को ससुराल में पता चल जाए मेरा बाप बीमार है, अल्लाह की इज्जत की कसम दुआ करती मौला मुझे पर दे दे, मोड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर दे। ज्यादा पूछा बेटी ने बता दिया, जिसके आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदके में पी आई वापस। बड़ा मियां तड़प के बोले, क्या मतलब मोहम्मद के सदके में मिली, बोले हाँ, बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तवज्जो है, बोले क्या करेगा, बोले फोड़ूंगा, क्या हसद है, क्या दुश्मनी है, बोले फोड़ूंगा। मैंने कहा नादान, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में चमकाए, अंगारों की तरह जब चमकने लगे, सबने समझाया, कबीले की बुढ़िया आ गई, बूढ़े आ गए, कहने लगे नादान जब मिल गई तो क्यों फोड़ रहा है, मोहम्मद ने कुछ देखी थोड़ी है। मैंने कहा नादान बुढ़ो, जिसकी नजरों से कायनात न छुपी, इसकी अखिये कैसे छुप जाए। भट्टी में चमकाई, सलाखें चमकना शुरू हो गई, हाथों में अपने करीब लाया, चाहता था कि
आंखों को फोड़ डालूं, खत्म कर दूं, मिटा डालूं, मगर जैसे ही आंखों में सलाखों को डाला, देखते ही देखते सलाखे ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बोला, बेटी जिस मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहन हाजिर है आपका। लड़की बोली, बेटी से बोला, ओ मेरी बेटी चल मुझे भी लेके चल, चल मुझे भी लेके चल। नबी के कदमों में आके रोने लगा, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह। बोली बदल गई, तवज्जो, बोली बदल गई। न जाने क्या क्या बकबक करता था, मगर जब कलब में नबी का प्यार आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था आका, बस हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पांव चूमके जर्रे आफताब हो गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बल हाज़ बशरियत को खामी को लग़्ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैर चमन फूल जो निशाद रहे, बाग बजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिंदगी ने कभी वफा की तो कभी फिर।